कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखकर पूरी दुनिया में लोगों में एक डर सा बना हुआ है। यह वायरस पूरी दुनिया में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों की टीम इस वायरस का वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन लोग सबसे ज्यादा परेशान इस बात से हो रहे हैं कि यह वायरस किसी जगह पर कितनी देर तक जिंदा रहता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार वायरस वाली किसी सतह या वस्तु को छूने के बाद अपने चेहरे को छूना वायरस के फैलने की मुख्य वजह नहीं मानी गई है। इसके बावजूद CDC, WHO और दूसरे अन्य स्वास्थ्य संस्थानों ने इस बात पर जोर दिया है कि हाथ धोना और बार बार छुई जाने वाली सतहों को रोज साफ करना इस वायरस के फैलने से रोकने का एक अहम उपाय है। हालांकि वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चला है कि संक्रमित सतहों को छूने से इस वायरस के फैलने के कितने मामले आए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक आर्टिकल के अनुसार यह वायरस छींक या खांसी के दौरान बाहर निकलने पर बूंदों में 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। 1 से 5 माइक्रोमीटर के आकार वाली बड़ी बूंदे मानव बाल की मोटाई से करीब 30 गुना छोटी होती है और ये बूंदे कई घंटों तक हवा में जीवित रह सकता है। NIH की रिसर्च में पता चला है कि यह वायरस कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक और प्लास्टिक और स्टील पर 2 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और कॉपर में यह वायरस 4 घंटे तक जीवित रहता है। आपको बता दें कि USA में वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में देखा कि SARS-CoV-2 वायरस हवा में भी 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। SARS-CoV-2 यह नए कोरोना वायरस का नाम है। यह नाम 11 फरवरी को घोषित किया गया था। शुरुआत में इस वायरस की संक्रमित करने की क्षमता कमजोर हो गई थी। अब तक माना जाता था कि वायरस हवा में जीवित रहने में सक्षम नहीं है, इसलिए हवा के माध्यम से लोगों को संक्रमित होने का खतरा भी कम माना जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में कोई भी इंसान हवा में मौजूद वायरस के कारण संक्रमित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस कागज पर 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में भी SARS-CoV-2 वायरस तेजी से नष्ट हो जाते हैं। हालांकि रिसर्च में यह भी पता चला है कि SARS बीमारी की वजह बनने वाले संबंधित कोरोना वायरस 56 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर के तापमान पर मर सकते हैं। तापमान में बदलाव और ह्यूमिडिटी से भी वायरस को ज्यादा देर टिकने में मुश्किल होती है। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों यह हवा में मौजूद बूंदों में कम देर टिकता है। आपको बता दें कि एक बार के छींक से 3000 बूंदे तक पैदा हो सकती है। ये कण दूसरे लोगों पर, उनके कपड़ों या उनके इर्द गिर्द सतह पर गिर सकते हैं। हालांकि कुछ छोटे पार्टिकल्स हवा में भी रह सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस बात का भी प्रमाण मिला है कि यह वायरस लंबे वक्त तक मल पर टिक सकता है। ऐसे में टॉयलेट के बाद कोई इंसान अगर अच्छी तरह से अपने हाथ नहीं धोता है तो इससे वो अपनी छुई जाने वाली दूसरी किसी भी चीज को संक्रमित कर सकता है। अब आप इसे भी एक बार देख ले। SARS-CoV-19 लकड़ी में 4 दिन, स्टील और प्लास्टिक में 3 दिन, पॉलीथीन में 24 घंटे, रबर में 8 घंटे, एल्यूमिनियम में 6 घंटे और तांबे में 4 घंटे तक टिक कर रह सकता है। फिर भी यह तापमान पर निर्भर करता है। तो ये था एक छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।